भाई मुझे तो काफी ज्यादा ठंड लग रही है। अब ठंड के दिन चालू हो चुके हैं तो अब कर ही क्या सकते हैं भाई। तो मैंने मास्क पहन रखा है ना भाई, अब कर लेता हूँ कुछ तो। चलो आपको भी दिखा दूंगा क्या कर रहा हूँ। तो चलो पहले मुझे पिन लगा लेने दो ये। तो चलो लग जा भाई। हाँ लग गई। तो देखो भाई काफी बढ़िया लगा है, अब तो काफी अच्छा लग रहा है। अब तो बिल्कुल भी ठंड नहीं बज रही है, पूरा का पूरा मैं ठंड से बच चुका हूँ। तो दोस्तों ये क्या किया मैंने, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे मैंने एक रिले की कॉइल ले ली। आप रिले की कॉइल की जगह पे किसी भी जो तांबे का तार आता है उसका यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर जो इंसुलेशन आता है उसको रिमूव कर देना है। तो इस इंसुलेशन को मैं यहाँ पे चाकू के द्वारा रिमूव कर रहा हूँ। आप हीट करके भी सिंपली रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है। तो ये जो वायर का टुकड़ा है इसके ऊपर आपको इसको लपेट देना है। ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पतली वायर है, मतलब कॉपर की। तो दोस्तों आप इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, वायर बोलते हैं या तार बोलते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से लपेट दिया। तो देखो आप ठीक से देख सकते हो ये काफ़ी पतला है, लेकिन मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया। तो इस वायर को आपको यहाँ पे इस कागज के टुकड़े के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। तो भाई मैं यहाँ पे इसको फेविक्विक के द्वारा चिपका रहा हूँ। तो आप भी फेविक्विक से ही इसको यहाँ पे चिपका सकते हो, काफी मजबूती के साथ चिपक जाएगी। फेविकॉल यहाँ पे कोई वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपको ये जो तार है, वायर है, जो भी कुछ है कॉपर का, आप समझ सकते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना आप इसको तार बोलते हो या फिर वायर बोलते हो। तो इस कागज के ऊपर आपको इसको राउंड राउंड करते हुए इस तरीके से लपेट देना है। तो इसको मैं लपेट लेता हूँ भाई, क्योंकि आपका ज्यादा समय मैं गवा नहीं करूंगा। मैं फटाक से लपेट लेता हूँ और फिर आपको इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्त, मैंने इसके ऊपर पूरा जो भी कुछ तार था उसको लपेट दिया है। और ये जो इसका दूसरा वाला एंड है इसको भी मैं चाकू के द्वारा छील रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से लपेट दूंगा और यहाँ पे भी सोल्डरिंग कर लूँगा, जिससे कि ये मजबूती के साथ जुड़ा रहे। और फिर मैंने इस एलिमेंट के ऊपर, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टेप का टुकड़ा लगा दिया है दोनों साइड में। ये टेप का टुकड़ा इसलिए लगाया है कि इसके ऊपर हम जो कुछ लगाएंगे, मतलब ये जो एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे, तो इसके द्वारा वो शॉर्ट ना हो, इसके लिए हमने टेप का टुकड़ा लगा दिया। और आपको वायर के द्वारा शॉर्ट होने का कोई खतरा नहीं है, मतलब जो कॉपर का तार लपेटा है उसके द्वारा कुछ शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर वार्निश की इंसुलेशन होती है। तो अब यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा कट कर लेता हूँ। तो देखो आपको कुछ इसके डबल साइज से थोड़ा ज्यादा टुकड़ा कट कर लेना है। तो मैं उसी साइज का इसको कट कर ले रहा हूँ। तो देखो मैंने इसको एकदम आसानी के साथ कट कर लिया है। अब आपको इसको इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर इस तरीके से बेंड करते हुए चलना है। तो हमारा ये जो मास्क बनने वाला है हीटर वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा और अच्छे से हीट भी होने वाला है। कभी ज़्यादा भी हीट नहीं होगा और कुछ कम भी हीट नहीं होगा। तो इसका जो कुछ हीटिंग है वो मैं आपको एडजस्ट करने की बता दूंगा। देखो ये पूरा फ्लेक्सिबल भी है, इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है या कुछ, ये एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल कपड़े जैसा ही है, जैसा आपका मास्क है वैसा ही रहेगा। आपको कुछ लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया है। तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से बेंड कर लेता हूँ। तो देखो हमारा जो एलिमेंट था वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ले ली एक 5 वोल्ट की जो जैक आती है अपनी माइक्रो यूएसबी वाली, वो तो उसको आपको यहाँ पे इन वायरों के साथ अटैच कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ हीट श्रिंक ट्यूब या फिर फाइबर स्लीव या फिर कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे जो अपना टेप आता है, इलेक्ट्रिक टेप या कोई भी टेप, उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट नहीं है, आप किसी भी वायर को किसी भी वायर के साथ जोड़ सकते हो।
तो देखो हमारे जो कनेक्शंस थे वो भी लगभग हो चुके, इसमें कोई बड़े कनेक्शंस थे ही नहीं, तो देखो हमारा सब कुछ कनेक्शंस हो गया है। और भाई अब इसका डायग्राम तो मैं नहीं देने वाला क्योंकि इसके अंदर कोई कनेक्शंस ही नहीं है, तो क्या सर्किट डायग्राम दूँ भाई। तो चलो जो भी कुछ था वो तो आपने देख लिया, अब इसको मास्क के अंदर हम फिट कैसे करेंगे वो भी देख लो एक बार। तो ये ले आया मैं मास्क, आप कोई भी मास्क ले सकते हो यहाँ पे। तो इस मास्क के ऊपर आपको सिंपली इस एलिमेंट को ऐसा प्लेस करना है और उसके ऊपर कोई भी कपड़ा लेना है पतला वाला और उसको इस तरीके से रख के सील देना है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहो, मैं अभी इसको सील के लाता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस है। देखो मैंने इसके ऊपर सील दिया, भाई दर्जी साहब ने सीलने का पूरा 10 रुपया लिया मेरे से, अब क्या बताऊँ आपको। उसके बाद ये मैं कट भी कर दो ऐसा भी बोल रहा था, लेकिन वो बोले कि फिर से 20 रुपया लगेगा। मैंने सोचा चलो मैं ही कट कर लूँगा, क्यों 20 रुपया दूँ भाई आपको, तो आप कैसे भी सील सकते हो कैसे भी कट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो चलो मैं इसको फटाक से कट कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो मास्क है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, मतलब अच्छा वर्क करने वाला बनने वाला है और आपको ठंड से पूरा बचाएगा और किसी को लगेगा भी नहीं कि आपके मास्क के अंदर कुछ हीटर है। लेकिन आपको थोड़ा सी भी ठंडी नहीं लगेगी, आपको जो कुछ खांसी वगैरह जो कुछ है वो भी नहीं होगा ठंड की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से हीट भी होता है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो चलो हमारा जो मास्क था वो पूरा रेडी हो चुका है, तो आप दोनों तरफ से इसको एक बार देख लो कि ये किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। कुछ भी इसके अंदर अलग नहीं लग रहा है कि हमने कुछ किया है, जैसा कंपनी का मार्केट का मास्क आता है वैसा ही ये लग रहा है। तो चलो अब मैं इसको आपको जल्दी से पहन के दिखा देता हूँ, लेकिन पहनने से पहले मैं आपको इसका टेम्परेचर टेस्ट भी तो करवा दूँ। तो आप मीटर के अंदर देख सकते हो अभी कितना टेम्परेचर है, मैं इसकी जो सेंसर वाली रीड है उसको ऐसे रख लेता हूँ। और चलो अब यहाँ पे मैं जो भी कुछ अपनी पावर बैंक की वायर है केबल है उसको अटैच कर देता हूँ। आप पावर बैंक खीसे के अंदर पॉकेट के अंदर रख सकते हो और ऐसी वायर लगा के अपना जैसे हेडफोन लगाते हो उस तरीके से, मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा वो भी। तो चलो देखो कितने जल्दी जल्दी टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कुछ जला देगा, ये जलाएगा नहीं भाई, ये सिर्फ गर्म होगा, क्योंकि कॉपर वायर का क्या होता है जैसे ही वो हीट होती है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण वो उतना ही हीट हो पाती है। मतलब हमने इसको कुछ टेम्परेचर सेट कर दिया है कि इतने के ऊपर ये नहीं जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा हीट इसको करवाना है तो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, ये काफ़ी अच्छे से हीट हुआ है, इतना ही टेम्परेचर हमको चाहिए यहाँ पे जितना कि ये हीट हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छे से दोस्तों वर्क कर रहा है और इसकी टेम्परेचर जो भी कुछ आप अगर बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो हमारा जो सेंसर था वो एकदम वर्किंग कंडीशन में काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है ये। तो चलो अब इसको साइड में कर लेते, अब आपको इसकी फिर से एक बार मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ और फिर से आपको चला के दिखा देता हूँ। तो ये देखो टेम्परेचर काफ़ी अभी भी वैसा का वैसा उतना ही बना हुआ है। हमारा जो मीटर है वो थोड़ा स्लोली अप डाउन करता है क्योंकि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा, तो देखो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और अभी भी उतने के उतने ही टेम्परेचर के ऊपर इसने मेंटेन कर रखा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो वाइंडिंग जो है उसको मोटे तार से करो, या फिर पतले तार की कर रहे हो तो कम तार का यूज़ करो, और टेम्परेचर कम रखना चाहते हो तो ज़्यादा तार का यूज़ करो जिससे कि ये मैनेज हो जाएगा। और उसके साथ चलो भाई अब मैं इसको पहन के भी दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से पहन सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। तो अब आपको इसका जो सॉकेट है उसके अंदर देखो मैंने हेडफोन जिस तरीके से हम यूज़ करते लगाते हैं वो इस तरीके से इसकी वायर डाल दी है। अब उसको यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देते हैं सिंपली, और नीचे पॉकेट में मैंने पावर बैंक को रख दिया है और एक काफ़ी ज़्यादा बैकअप भी देगा क्योंकि हमने ज़्यादा पावर का नहीं बनाया है, क्योंकि इसका टेम्परेचर देखो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और दिखने में भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कुछ किया है। ये कोई आसानी से नहीं बता सकता कि इसके अंदर हमने क्या लगाया है क्योंकि कुछ भी नहीं दिखता। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चलो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना भाई।